हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट तक जरूर देखें। सबसे ज्यादा संक्षिप्त न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। झिझाना शामली हरियाणा के कुरुक्षेत्र से CIA टीम ने चोरी के मामले और फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए दबिश दी, लेकिन वह हाथ नहीं लगा। शुक्रवार को दरोगा लखन सिंह ने टीम के साथ झिंझाना थाने पहुंचकर आमद दर्ज कराई। इसके बाद गांव रंगाना फार्म निवासी जानपाल को गिरफ्तार करने के लिए दबिश दी गई। दरोगा ने बताया कि आरोपी जानपाल वर्ष 2016 से चोरी के मामले और फरार चल रहा है। न्यायालय से उन सबके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हुए है। आरोपी हाथ नहीं लगने पर पुलिस टीम लौट गई। तस्कर को दबोचने आई राजस्थान पुलिस झिंझाना शामली। राजस्थान के जनपद झालावाद के थाना भवानी पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी और फरार चल रहे उपेंद्र निवासी गांव लपराना की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी। टीम लीडर अवतार सिंह ने बताया कि 3 दिन पूर्व ही तस्करी के मामले और शिवम शर्मा निवासी गांव बिटावदा थाना बुढ़ाना को हिरासत और लिया गया। उसने पूछताछ और हमें साथ ही उपेंद्र का नाम राजस्थान पुलिस को बताया। इसी के चलते उपेंद्र को गिरफ्तार करने के लिए टीम यहां पहुंची। हालांकि आरोपी उपेंद्र हाथ नहीं आया, जिसके बाद टीम लौट गई। शराब तस्करी और ट्रैक्टर ट्राली चालक गिरफ्तार। झिंझाना शामली पुलिस ने शुक्रवार को मेरठ करनाल हाईवे पर बेड़ौली चेक पोस्ट पर करनाल की ओर से आई ट्रैक्टर ट्राली से 4 पेटी देशी शराब और 60 पवे बरामद किए। ट्रैक्टर ट्राली को पुलिस ने सीज कर चालक जनक निवासी शामली को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए। हमें कमेंट्स के जरिए बताइए कि वीडियो कैसा लगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।